हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे दी वे फेरर। आई एम दीपशिखा विद यू। इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट 6 मस्ट विजिट विंटर डेस्टिनेशंस इन कश्मीर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नंबर एक पर है गुलमर्ग, और गुलमर्ग आपकी आइटनरी में ज़रूर होना चाहिए, एंड नॉट ओनली फॉर योर डे ट्रिप बट गुलमर्ग में आपको नाइट स्टे भी करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि गुलमर्ग में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए, और आपको एटलीस्ट 2 दिन लगेगा गुलमर्ग को पूरा कवर करने में। सो गुलमर्ग में चर्च है, टेंपल है, और एक बहुत बड़ा पार्क है जहाँ पे आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। इसके अलावा गुलमर्ग जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है वो है गुलमर्ग गंडोला, विच इज़ अ केबल कार राइड, और ये एशिया की कुछ हाईएस्ट केबल कार राइड्स में से एक है यहाँ का गंडोला राइड। तो वो तो आपको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। सो ये केबल कार जो है वो आपको गुलमर्ग की हाईएस्ट पीक तक लेकर जाती है, और वहाँ से आपको LOC का नज़ारा भी देखने को मिलेगा, और बहुत खूबसूरत व्यूज़ देखने को मिलेंगे वहाँ से आपको। गुलमर्ग में इसके अलावा आप स्कीइंग भी कर सकते हो, और स्कीइंग के लिए भी वर्ल्ड फेमस है गुलमर्ग। और इसके अलावा आप यहाँ पे स्लेज राइड भी कर सकते हो, विच इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। सो यू मस्ट ट्राई दीज एक्टिविटीज़ व्हेन यू विजिट गुलमर्ग। सो द नेक्स्ट डेस्टिनेशन इन दिस लिस्ट इज़ यूसमर्ग, और यूसमर्ग का जो डिस्टेंस है श्रीनगर से वो बहुत ज़्यादा नहीं है। यूसमर्ग को आप अपने डे ट्रिप में भी कवर कर सकते हो, और यूसमर्ग जाके आप ट्रैकिंग कर सकते हो, हॉर्स राइडिंग कर सकते हो, और यूसमर्ग में आप आइस स्तूपास भी देख सकते हो जो शायद ही आपको कहीं और देखने को मिले। सो द थर्ड डेस्टिनेशन इन दिस लिस्ट इज़ दूधपत्री, और ये एक अनएक्सप्लोर्ड जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। एंड दूधपत्री जो है वो बहुत ज़्यादा लोग अपने आइटनरी में नहीं रखते हैं, लेकिन अगर आप विंटर में कश्मीर जा रहे हो तो दूधपत्री इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस। दैट इज़ बिकॉज क्योंकि विंटर में यहाँ से जो व्यू है बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल है। सो नंबर 4 इन दिस लिस्ट इज़ सोनमर्ग। सोनमर्ग भी बहुत खूबसूरत जगह है। अगर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाने के बाद सोनमर्ग एक्सेसिबल नहीं रहता कई बारी, और सबसे ख़ास बात यह है कि सोनमर्ग में आपको स्टे करने की भी ज़रूरत नहीं है, और वैसे वहाँ पे कुछ स्टे ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं होते विंटर में, तो आप श्रीनगर से अपने डे ट्रिप में इसे कर सकते हो। द नेक्स्ट डेस्टिनेशन विल टॉक अबाउट इज़ पहलगाम, एंड मुझे अपने कश्मीर ट्रिप में सबसे खूबसूरत जगह जो लगी वो थी पहलगाम। सो पहलगाम में देखने के लिए बहुत कुछ है, और पहलगाम में जितने भी साइट सीइंग पॉइंट्स हैं वो सब एक्सेसिबल होते हैं, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। आप यहाँ पे बहुत तरह की एक्टिविटीज़ इंजॉय कर सकते हो। पहलगाम अपनी खूबसूरत वैलीज़ जैसे कि अरू वैली, बेताब वैली, इनके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और बहुत सारी शूटिंग लोकेशंस भी हैं यहाँ पे। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं पहलगाम में देखने के लिए। सो ये सारे पॉइंट्स कवर करने के लिए पहलगाम में आपको एटलीस्ट 2 दिन तो स्टे करना ही चाहिए अगर आप विंटर में पहलगाम जा रहे हो। एंड द 6th एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन इज श्रीनगर। सो इट इज़ सो ऑब्वियस कि अगर आप कश्मीर का ट्रैवल प्लान कर रहे हो विंटर में तो श्रीनगर तो आपको जाना ही होगा। तो श्रीनगर में करने के लिए बहुत कुछ है। श्रीनगर में डल लेक है, हाउस बोट्स हैं, और डल लेक में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, शिकारा राइड्स हैं जो आप कर सकते हो। इसके अलावा श्रीनगर अपने गार्डन्स के लिए फेमस है, तो अगर आप श्रीनगर जाते हो तो आपको ये गार्डन्स भी ज़रूर देखने चाहिए। इन गार्डन्स से और या डल लेक के आसपास से आपको सनराइज़ सनसेट कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। सो गाइज, दीज वर द 6 ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग
winter destinations in Kashmir. So this is all for now, and I'll see you in the next video. Thank you so much for watching it, and please subscribe my channel and hit the like button if you like this video. Thank you.